CTI इंटर एग्जाम को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। देखिए जो आपका रिजल्ट है अभी तक नहीं जारी हुआ है, रिजल्ट को कैसे चेक करना है आपको हमें बताएंगे वीडियो में, वीडियो आपको देखिएगा और इस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए रिजल्ट आने के बाद आपको रिजल्ट कैसा दिखता है इसको भी आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों पिछले साल को जो रिजल्ट था कुछ इस तरह से शो हो रहा था। यहाँ पर आपको आपकी जो आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर होगा, उसको डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अभी हम बताएंगे कैसे रिजल्ट चेक करना है। जो पिछले वक्त बच्चे थे उन्होंने कुछ नंबर यहाँ पर पाए थे, हमारे परसेंट किए थे, तो उनका यहाँ पर इसकी शॉट है। और दोस्तों रिजल्ट आने के बाद कैसे आपको यहाँ पर काउंसलिंग करानी है, आपकी कोई भी गलतियाँ ना हो इसमें हो, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ सभी बच्चे कर देते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर गवर्नमेंट एनएसटीआई नहीं पा पाते हैं। तो आपको हम इस वीडियो बताएंगे। तो चैनल को आप पूरा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर समझ में आ पाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। तो दोस्तों रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको आ जाना है NCVT के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर NIMI को जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर आ जाना है। तो NIMI का ऑनलाइन वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। जो सभी लोग बच्चे परीक्षा दिए होंगे 16-17 तारीख को, तो उनका यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो जो रिजल्ट है शो हुआ नहीं है, जैसे रिजल्ट शो होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपकी साइट है 24 आवर के लिए मेंटेनेंस के अंदर चल रही है, मतलब यहाँ पर काम चल रहा है। जल्दी यहाँ पर सर्वर का मेंटेनेंस ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। मतलब जो आपका जो है अगले हफ्ते में अक्टूबर के जो अगला वीक है उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 10 अक्टूबर के पहले आप सभी लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ये डेट आप नोट कर लीजिए, 10 अक्टूबर के पहले, 10 अक्टूबर के पहले आप सभी लोग का रिजल्ट आ जाएगा 10 अक्टूबर पहले। तो दोस्तों आपको लोग का रिजल्ट ऐसे चेक करना है, यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका खुल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर जीमेल आईडी डालनी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था, और यहाँ पर कैप्चा कोड को डालकर जैसे आप फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने कुछ आपका नंबर इस तरह से हो जाएगा। जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपका नंबर देख लीजिए कुछ तरह से हो जाएगा, यहाँ पर जैसे शो हो रहा था। जो पिछले साल के स्टूडेंट ने हमारे पास नंबर को सेंड किया था, बहुत ही अच्छा स्कोर किया था यहाँ पर। तो आप सभी लोग को जैसे रिजल्ट आता है तो आप सभी लोग भी अपना रिजल्ट को यहाँ पर कमेंट करिएगा हमें कितना नंबर मिला है। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको रिजल्ट यहाँ पर चेक करना है और रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो CTI का यहाँ पर जो एनुअल वाली परीक्षा है वो अभी तक हो रही है, जितने बच्चे CTI कर रहे हैं उन सभी की एनुअल परीक्षा स्टार्ट हो गई है। तो उनकी जो परीक्षा लास्ट डेट यहाँ पर 18 तारीख को खत्म हो जाएगी, 18 अक्टूबर को उनकी परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। तो मतलब जो आपका रिजल्ट है 10 अक्टूबर तक आ जाएगा, उसके बाद आपका कुछ गैप होगा, उसमें आपको क्या होगा काउंसलिंग का फिल करवाया जाएगा। फिल करवाने के बाद उसके बाद आपको कॉलेज अलर्ट होगा, उसके बाद आप जाकर कॉलेज पर वहाँ वेरिफिकेशन कराएंगे। तो मतलब साफ है कि 18 तारीख से पहले आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन को नहीं होगा, 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब CTI का जो इंटर एग्जामिनेशन है 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब अगले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 अक्टूबर के पहले। तो आशा करता हूँ जानकारी बेहद ही पड़ेगी, चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह महत्वपूर्ण अपडेट पहुँच पाए। और हाँ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद काउंसलिंग कैसे प्रोसेस है आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे कैसे वो काउंसलिंग करानी है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं और वो अच्छे नंबर पाकर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता उनको है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।